खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां आदर्श ब्लॉक सेवापुरी से ब्लॉक प्रमुख रीना कुमारी निर्विरोध। जहां खबर है यूपी के वाराणसी जिले के कपसेटी थाना क्षेत्र के आदर्श ब्लॉक सेवापुरी प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रीना कुमारी ने नॉमिनेशन किया है। वहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज विक्रमा, वाराणसी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। उनका कहना है कि रीना कुमारी ने ब्लॉक प्रमुख के लिए दो सेट में पर्चा दाखिल किया है, अभी तो कोई दूसरा प्रत्याशी पर्चा नहीं लिया है और समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है, इसलिए लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से रीना कुमारी निर्विरोध होने तय है। उक्त लोगों का कहना है कि पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नीति आयोग से आदर्श ब्लॉक सेवा पूरी लिए है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रीना कुमारी को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाया जाए, ताकि प्रधानमंत्री जी को आदर्श ब्लॉक सेवा पूरी से एक अच्छा संदेश जाए। देखे कपसेटी से प्रदीप कुमार की यह रिपोर्ट। सेवापुरी का मान इतना बढ़ा दूं, ऐसे पूरे देश में नीति आयोग के तहत ही मॉडल ब्लॉक लिया गया है, और जहां तक एक ऐसा यहां पे बन भी गया है कि लोग उदाहरण देते हैं कि सेवापुरी आप जाके देखो। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतने सेवापुरी, इतना तक कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश का इतना विकास हो रहा है, कि इसलिए मुझे लगता है कि पूरी जनता का सहयोग है कि कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिक से अधिक लोग निर्विरोध हों। 800 कुछ लोगों में, जिससे मुझे अपेक्षा है कि 750 लोग हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में होंगे प्रमुख।